वैसो गाइज आई होप यू आर इंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्ट्रगलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आप लोगों ने दो कैटेगरी के लोग देखे होंगे, एक तो बोलते हैं जिंदगी बहुत आसान है, दूसरे बोलते हैं जिंदगी बहुत मुश्किल है। आप लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं? आप लोग अपनी जिंदगी को कैसे देखते हैं, मुश्किल चल रही है या फिर आसान चल रही है? अगर मुश्किल चल रही है तो एम लिखिए, और अगर आसान चल रही है तो ए लिखिए। यहाँ से आप लोग देख पाएंगे कि आप लोग अपनी लाइफ को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जब तक आप लोग अपनी लाइफ को समझेंगे नहीं, आप लोग तब तक चीज़ों को आगे लेकर नहीं चल पाएंगे। यूपीएससी की जब तैयारी करते हैं, यूपीएससी के किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी करते हैं, जब तक आप लोग उसको समझेंगे नहीं कि इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, तब तक आप लोग हमेशा उस एग्जाम को लेकर टेंशन में रहोगे। और समझ कहां से बढ़ेगी आप लोगों की? वो समझ बढ़ेगी आप लोगों की, आप लोग पुराने क्वेश्चन पेपर देखिए, उसका सिलेबस देखिए, पैटर्न समझने की कोशिश कीजिए, और उसके बेस पर जब आप लोग स्टडी करना स्टार्ट करेंगे तो आप लोग शांत स्वभाव से स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। पर लेकिन जब तक आप लोगों को ये चीजें ही समझ में नहीं आ रही है, तब तक आप लोग हफरा तफरी में रहोगे और कभी भी किसी एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाओगे। जिस तरीके से लगे हुए वैसे ही लगे रहोगे अगर अपना पैटर्न चेंज नहीं करोगे। यही बात आप लोग जिंदगी में भी इंप्लीमेंट करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपनों के खातिर अपने सपने छोड़ देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सपनों के खातिर अपनों को छोड़ देते हैं। देखिए आप लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं? क्या आप लोग अपनों को पास रखना चाहते हैं, अपने सपनों से दूर हट जाते हैं? पर लेकिन इसका सीधा सीधा मतलब आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि अगर आप लोग अपने सपनों से दूर हट जा रहे हैं तो आप लोग अपनी जिंदगी को जी नहीं रहे हैं। अगर आप लोग अपने सपनों को पूरा करेंगे तो इसका मतलब किसी अच्छी पोजीशन पर आप लोग अपनी लाइफ में होंगे, तो जो आप लोगों के अपने लोग हैं, अपने रिश्तेदार, आप लोगों के जो घर वाले हैं, वो अपने आप ही आप लोगों के पास में आएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग सक्सेस हैं, और हर एक घर वाले या फिर परिवार वाले यही तो चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो सक्सेस होए, हमारे जो बच्चा है वो एक ऊंचाई बुलंदियों तक छुए, एक तरीके से अपनी लाइफ में एक अच्छी पोजिशन पर रहे, तो यही तो जरूरी है। तो इसलिए हमेशा सबसे बड़ा जो प्रेफरेंस आप लोगों का होना चाहिए वो अपने सपनों का होना चाहिए, और सपनों का मतलब है अपने करियर का। जब आप लोग करियर में सही पोजीशन पर होंगे तो किसी भी गलत चीज को आप लोग सुधार सकते हो। तो ये आप लोग डिसाइड कीजिए आप लोग कहां पर रहते हैं और किस तरीके से चीजों को लेकर चलते हैं। आज जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है, जो आप लोगों को मैप में जाकर निहारना है, ये है यहां पर ह्यूरोन लेक। तो जाकर देखिएगा कहां पर ये लोकेटेड है, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज काफी शानदार डिस्कस करेंगे विक्टोरिया लेक के बारे में। वीडियो के एंड में मैप बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और भी क्वेश्चन है जिनको आप लोगों को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले एक ओवरव्यू में आप लोगों को बता दूं, जैसा मैंने आप लोगों को कल ही बोला था कि जब कल मैं डिस्कस करूंगा, यानी कि आज डिस्कस करूंगा, ये मैंने 1 तारीख में बोला था कि जब 2 तारीख में आप लोगों का डिस्कशन स्टार्ट होगा तो 9 लाख से ऊपर यहां पर आप लोगों के केसेस देखने को मिलेंगे। डेली की जो रफ्तार चल रही है वो 1 से 1.5 लाख केस डेली आ रहे हैं यहां पर। और सबसे बड़ी खतरनाक सिचुएशन तो यह है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो 2 लाख क्रॉस कर चुका है, 2 लाख क्रॉस कर चुका है केस, और 5,000 यहां पर लोगों की जान जा चुकी है। जो इटली है वो 1 लाख क्रॉस कर चुका है, मैंने बोला था स्पेन भी 1 लाख की कैटेगरी में आ जाएगा, तो स्पेन भी यहां पर 1 लाख की कैटेगरी में आ चुका है। टोटल नंबर ऑफ डेथ जो सबसे ज्यादा अब तक इटली में है, 13,000 लोग की जान जा चुकी है। 13,000 लोग जब मैं आप लोगों को बोल रहा हूं तो सोचिए, अगर आप लोग 100 लोगों की जो डेथ की जो एक तरीके से लाश है 100 लोगों की अगर पड़ी हुई एक जगह देखोगे तो आप लोगों को कैसा लगेगा? 10 लोगों की एक जगह लाश पड़ी हो उसको भी देखकर दिमाग खराब हो जाएगा। सोचिए 13,000 लोगों की जब इनको दफनाया गया होगा तो क्या कंडीशन देखने को मिलेगी। मौत इतनी बुरी है कि यहां पर इंसानों को जो उनके घर वाले हैं उनकी बॉडी तक नसीब नहीं होती है। तो ये सिचुएशन आप लोग समझकर चलिए। चाइना अपने आप को स्टेबल बता रहा है, तब से ऐसी कंडीशन बरकरार है यहां पर। जर्मनी जो है वहां की सिचुएशन जो है देख सकते हैं, और फ्रांस जो है वो 4,000 क्रॉस कर चुका है, ईरान भी 3,000 क्रॉस कर चुका है, और इसी के साथ में जो यूके है उसमें भी 2,300 केस यहां पर आ चुके हैं, और इसी के साथ में जो स्पेन है वो 9,000 यानी कि 10,000 की कैटेगरी में आने वाला है। स्पेन हो सकता है कल या परसों तक 10,000 की कैटेगरी में आ जाए। 50,000 केस होने वाले, 47,000 केस यहां पर हो चुके हैं, और लगभग 2 लाख के करीब रिकवर अब तक कर चुके हैं। तो जिस तरीके से एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं, रिकवरी उसके कंपेयर में काफी कम है। रीजन बहुत सारे आप लोग बोल सकते हैं, इसके बारे में लोगों को पता नहीं चल पाता, स्टार्टिंग में लोग छिपाते भी है, बता नहीं रहे हैं, और भी बहुत सारी भ्रांतियां चल रही हैं, उसके चलते ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो ये सारी बातें जिनके बारे में आप लोग एक मोटा सा आइडिया रख सकते हैं। बाकी हमारी कंट्री में क्या केसेस हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा जब आर्टिकल आप लोगों के सामने आएगा। सबसे पहले आप लोग आइए नजर डाल लेते हैं कौन से आर्टिकल हम लोग को डिस्कस करने हैं, आर्टिकल में क्या क्या बातें काफी इंपॉर्टेंट है, एक एक कर देखेंगे। लेक्चर की पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वो आप लोगों को वीडियो के नीचे
डिस्क्रिप्शन जिस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा उसका, ठीक है, तो उसको आप लोग देखिएगा। यहां पर एक एक आर्टिकल के ऊपर नजर डालेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा क्या क्या कंडीशन है। यहां पर ये आर्टिकल कोविड 19 के बारे में है और ये वाला आर्टिकल भी कोविड 19 के बारे में है। एक आर्टिकल में डिस्कस किया जा रहा है तो दिल्ली में अभी निजामुद्दीन में जो कंडीशन देखने को मिली उसके बारे में, और ब्लेम गेम स्टार्ट हो गया कि इसकी वजह से हो रहा है, ये उसकी वजह से हो रहा है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, सबको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, तब चीजें जो है वो आगे बढ़ेंगी। ऊपर वाला आर्टिकल यहां पर ये बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपना रोल क्या प्ले कर रहा है इसमें, तो वो बातें बोली जा रही है। यहां पर ये वाला जो आर्टिकल है डिफेंस में क्या एक्सपेंडिचर हमारा चल रहा है उसके बारे में आर्टिकल है, इसको भी हम लोग नजर डालेंगे। ये वाला आर्टिकल भी कुछ कुछ इसी से रिलेटेड है। बाकी ये वाला आर्टिकल और ये वाला जो आर्टिकल है यहां पर, ये वाला आर्टिकल यहां पर बात कर रहा है कि हम लोग को काम तो लोकली करना चाहिए पर थिंक ग्लोबली करना चाहिए, यानी कि इतने सोचना ग्लोबल लेवल पर चाहिए और काम लोकल लेवल पर चलना चाहिए। जिस तरीके चाइना में हुबई जो सिटी है, प्रोविंस है, उसके द्वारा जो स्टेप उठाए गए हैं उससे सीखकर हम लोग चीज़ों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका होगा सिचुएशन को हैंडल करने का। तो इसके ऊपर भी हम लोग यहां पर नजर डालेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं, ये क्रूड ऑयल का प्राइस जो डाउन होता जा रहा है उसके बारे में यहां पर जिक्र कर रहा है। ये डेटा पॉइंट है और ये कार्टून है, इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। यानी कि काफी कुछ शानदार हम लोग आज की डेट में यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग यहां पर अगर बात करें तो पहले एक ऐसा आर्टिकल देख लेते हैं जो कि हालांकि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पर लेकिन एक ओवरव्यू यहां पर जान लेते हैं ताकि आप लोग सिचुएशन को समझ पाए। ये जो आर्टिकल है यहां पर, ये बात कर रहा है ऑयल प्राइस के बारे में। आप लोगों को पता है कि ऑयल प्राइस जो है काफी लार्ज स्केल पर डिक्रीज होते हुए जा रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन है मार्केट में रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि सारी चीजें जो है वो ठप पड़ी हुई हैं, यानी कि सारी इकोनॉमी जो है वो ठप पड़ी हुई है, तो इसके चलते जो ऑयल प्राइस है वो डाउन हो रहा है। तो जैसे ही कोविड 19 की वजह से ऑयल प्राइस डाउन होना स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पर यहां पर दो कंट्री हैं जिनमें झड़प हो गई। कंट्री कौन सी है? सऊदी अरेबिया और दूसरी है यहां पर रशिया। सऊदी अरेबिया भी काफी बड़ा प्रोडक्शन है जो कि प्रोड्यूस करता है क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल, और रशिया भी प्रोड्यूस करता है। जब मैं क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल बोलता हूं तो इसका मतलब ये समझिए कि उसमें से बहुत सारी चीजें हम लोग निकाल लेते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, ग्लिसरीन, ये सारी चीजें हम लोग निकाल कर लेकर आते हैं। जैसे मिट्टी का तेल, ये क्रूड ऑयल में से निकाला जाता है, ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करने वाली कंट्री रशिया और सऊदी अरेबिया काफी बड़ी कंट्री है, पर लेकिन सऊदी अरेबिया जो है वो एक ग्रुप का मेंबर है जिसको ओपेक बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये जो ओपेक ग्रुप है ये सऊदी अरेबिया उसका मेंबर है पर लेकिन रशिया इसका मेंबर नहीं है। तो सऊदी अरेबिया जब ओपेक कंट्री को बोलता है कि हम लोग को प्रोडक्शन को कम करना है, प्रोडक्शन को कम क्यों करना है? वो इसलिए करना है क्योंकि मार्केट में रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं है, लोग ज्यादा तेल नहीं खरीद रहे हैं और अवेलेबिलिटी काफी है, तो इसकी वजह से प्राइस जो होता है वो डाउन हो जाता है। तो इसकी वजह से जो प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है उनको नुकसान पहुंचता है। तो सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि मार्केट में जो टमाटर है वो अवेलेबल काफी ज्यादा है पर लेकिन खरीद कोई रहा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया? उनका प्राइस जो है वो डाउन हो जाएगा। पर लेकिन अगर अवेलेबिलिटी आप लोग कम कर दोगे, जैसे मास्क एंड सैनिटाइजर की बात करें, तो ये खरीदने वाले कहां रहेंगे? वहां पर खरीदने वाले ज्यादा हो जाएंगे, फिर अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएगा। तो प्रोडक्शन डिक्रीज करने का सीधा सीधा मतलब होता है कि जो प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है उनको फायदा हो जाए। तो सऊदी अरेबिया ने बोला यार फालतू में प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत मंदा बिक रहा है मार्केट में, तो थोड़ा सा इसको प्रोडक्शन को कट कर देते हैं, यानी कि तेल को प्रोड्यूस करना कम कर देते हैं। तो जैसे इसने बोला रशिया को, यार हमारा ग्रुप तो मान जाएगा इस काम को लेकर, जब मैं आप लोगों को ओपेक ग्रुप बोल रहा हूं तो ये ओपेक ग्रुप की कंट्री हैं अलग अलग आप लोगों के सामने, ठीक है, जैसे अल्जीरिया हो गया, अंगोला, इक्वाडोर, ये सारी कंट्रीज हैं, ये ओपेक ग्रुप की कंट्री आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो इसका हेडक्वार्टर वियना में है, ऑस्ट्रिया में। इसके बारे में अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं ओपेक ग्रुप के बारे में आज की डेट में, तो यहां पर सऊदी अरेबिया यहां पर इसका मेंबर हो गया, तो सऊदी अरेबिया मेंबर है पर लेकिन रशिया इसका मेंबर नहीं है। अब ये ग्रुप मान जाता है चलो कट कर लेते हैं, पर लेकिन रशिया से जब इसने बोला कि हम लोग कट कर लेते हैं ऑयल प्रोड्यूस अपना, तो रशिया ने मना कर दिया कट करने से। अब रशिया के दिमाग में भी कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा कि हां अब की कट क्यों नहीं किया है, तो उसके बारे में भी आगे बात करूंगा। एक एग्रीमेंट है ओपेक कंट्री और रशिया के बीच में, उसको ओपेक प्लस बोलते हैं, यानी कि रशिया को उसमें इंक्लूड करके ओपेक प्लस नाम रख दिया गया है। उसका मतलब यह है कि अगर यहां पर ओपेक कंट्री किसी काम को करेंगी, प्रोडक्शन को कम करना है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो रशिया भी इनके हिसाब से काम करने की कोशिश करेगा, तो इसको ओपेक प्लस बोलते हैं। तो ओपेक प्लस अगर आप लोगों से पूछे कोई एग्जाम में तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये ओपेक प्लस जो ग्रुप है इसका एक तरीके से एग्रीमेंट था कि हाँ रशिया भी प्रोडक्शन को कम करेगा अगर ओपेक ग्रुप बोलेगा, पर रशिया ने वो एग्रीमेंट यहां पर तोड़ दिया। तोड़ने के पीछे रीजन क्या था? तोड़ने के पीछे रीजन था जो यूएसए की सेल गैस। रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर ये प्रोडक्शन को कम करेंगे तो सीधा सीधा मतलब है कि मार्केट में सेल गैस जो है उसकी अवेलेबिलिटी यहां पर अच्छे से अवेलेबल रहेगी, तो सेल गैस को लोग खरीदेंगे क्योंकि वो सस्ती है, तो सेल गैस को लोग खरीदना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि अगर आप लोगों को मार्केट में जो कॉफी है, जो आज के दिन मान लीजिए कोई कॉफी पीने वाले हैं और एक इंसान है चाय पीने वाला, अगर मार्केट में चाय का प्राइस जो है वो 1 लाख रुपए पर किलो हो जाए, ठीक है,
और कॉफी का प्राइस रहे यहां पर 10 रुपए पर किलो, तो लोग क्या सोचेंगे यार चाय छोड़ देते हैं चलो काम चला लेते हैं कॉफी से ही, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो सिचुएशन यहां पर यही है कि अगर यहां पर और ऊपर से सेल गैस के वो एनवायरमेंट को ज्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचाती है, अगर लोगों को यहां पर क्रूड ऑयल के कंपेयर में सेल गैस ज्यादा सस्ती मिल रही है और एनवायरमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचा रही है तो सीधे सीधा लोग इसको खरीदना स्टार्ट कर देंगे। तो इसने क्या किया, ये ध्यान में रखते हुए कि यूएसए की सेल गैस को न खरीदे लोग, अपना प्रोडक्शन कम नहीं किया, तो इसकी वजह से सऊदी अरेबिया गुस्सा आ गया। तो जो प्रोडक्शन घटाने वाला था उसने प्रोडक्शन को और ज्यादा बढ़ा दिया कि अब हम देखते हैं इससे क्या होगा, और ज्यादा अवेलेबिलिटी मार्केट में रहेगी और रशिया की इकोनॉमी पे ऑलरेडी बहुत सारे सैंक्शन लगे हुए हैं, तो इससे ये होगा कि जब प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्रूड ऑयल का प्राइस और ज्यादा सस्ता हो जाएगा। अब रशिया की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने के लिए सऊदी अरेबिया के द्वारा यहां पर यह स्टेप उठाया गया है। तो यह है पूरा खेल यहां पर, जो कि आप लोगों को बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए। अब देखिए वो कहते हैं ना कि दो लोग लड़ते हैं तो तीसरा लोग फायदा उठा जाता है। अगर आप लोग अपनी कंट्री के बारे में बात करें तो हमारी कंट्री 80% जो अपनी रिक्वायरमेंट है क्रूड ऑयल की वो खरीदती है, यानी कि ओनली 20% हम लोग प्रोड्यूस करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट का और 80% हम लोग क्या करते हैं इंटरनेशनल मार्केट से खरीद कर लेकर आते हैं। तो जब हम लोग इंटरनेशनल मार्केट से खरीद रहे हैं तो कहां कहां से हम लोग खरीद रहे हैं, तो इराक से खरीद रहे हैं, सऊदी अरेबिया, ईरान, वेनेजुएला, नाइजीरिया, यूएई, ये मेन कंट्री है जिनसे हम लोग अपना प्रोडक्शन जो हम लोग बेसिकली खरीदते हैं। ईरान हालांकि नीचे आ आज की डेट में, क्योंकि जब से P5+1 वाली कंट्री वाला कॉन्सेप्ट आया है, यानी कि परमानेंट फाइव मेंबर में कौन-कौन कंट्री है ये तो बड़ा ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए तो पता ही होना चाहिए। +1 कौन है, +1 है जर्मनी। ये परमानेंट 5 और +1 के द्वारा यहां पर एक एग्रीमेंट साइन किया गया था जिसको ईरान न्यूक्लियर डील बोलते हैं। तो ईरान न्यूक्लियर डील से यूएसए बाहर निकल गया और यूएसए ने सैंक्शन लगा दिया, तो उन सैंक्शन को हम लोगों को भी फॉलो करना पड़ा क्योंकि यूएसए के साथ में बहुत अच्छे व्यापार है हमारे। अगर यूएसए के सैंक्शन को फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वो हमारे ऊपर कुछ सैंक्शन लगाए और हमारी इकोनॉमी पर भी उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़े। तो इसी के चलते हमने यहां से अपना क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दिया काफी लार्ज स्केल पर। तो ये भी फिर भी लार्ज स्केल पर ये कंट्री है जिनसे हम लोग अपना क्रूड ऑयल खरीदते हैं, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ अमेरिका, ये कंट्री है जिनसे हम लोग काफी लार्ज स्केल पर अपना क्रूड ऑयल खरीदते हैं। जब यहां पर ये रीजन बोला जा रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पर्टिकुलर रीजन हो गया मिडिल ईस्ट अफ्रीका वाला रीजन, ये हो गया और साउथ अमेरिका वेनेजुएला वगैरह से हम लोग काफी क्रूड ऑयल खरीदते हैं यहां पर, ठीक है। तो ये वो एरिया है जहां से हम लोग अपना क्रूड ऑयल खरीदते हैं। अब कंडीशन क्या बन गई, कंडीशन ये बन गई क्रूड ऑयल का प्राइस काफी डाउन हो गया तो कम से कम हमारी मार्केट में अब हम लोग इसको खरीद पा रहे हैं काफी सस्ते तौर पर, तो जो इन्फ्लेशन है यानी कि महंगाई है वो कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मान लीजिए अगर जैसे कि एप्पल जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में उगाए जाते हैं सबसे ज्यादा, अब उनको बेचा जाता है तमिलनाडु में ले जाकर, तो उनको कैसे ले जाते हैं हम लोग वहां तक, हम उनको ले जाते हैं रोड के थ्रू, और रोड में क्या यूज करते हैं हम लोग, मैक्सिमम डीजल यूज करते हैं, तो डीजल का प्राइस अगर बढ़ता है तो यहां पर एक तरीके से एप्पल का प्राइस भी बढ़ जाएगा क्योंकि खर्चा तो वहीं से निकाला जाएगा। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन कम हो जाता है अगर यहां पर क्रूड ऑयल का प्राइस कम होता है, तो यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 2008 का जब रिसेशन आया था उस टाइम पर जो क्रूड ऑयल का प्राइस था ये 147 डॉलर पर बैरल चल रहा था, पर लेकिन आज की डेट में 24 डॉलर पर बैरल पे यहां पर आ गया, यानी कि डॉलर पर बैरल पर, तो समझ सकते हैं कि कहां पर आकर पड़े हैं आज के डेट में। सीधा सीधा क्या है यहां पर, जो रसिया और सऊदी अरेबिया के बीच में जो रस्साकसी चल रही है उसके चलते ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और ये क्यों चल रहा है, क्योंकि यूएसए की जो सेल गैस है वो मार्केट में काफी लार्ज स्केल पर अवेलेबल है और इसी के चलते रशिया ने भी अपना प्रोडक्शन कम नहीं किया है। तुम लोग लड़ते रहो और हम लोग फायदा उठाएंगे, कोई बात नहीं है। तो इंडिया और चाइना को सबसे ज्यादा फायदा यहां पर होने वाला है जो क्रूड ऑयल यहां पर डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट जो खरीदने वाली जो कंट्री है वह है इंडिया और चाइना। रीजन क्या है, दोनों की पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा पॉपुलेस कंट्री है वर्ल्ड में चाइना और दूसरे नंबर पर है इंडिया, तो इसलिए हम लोग को काफी फायदा इससे होने वाला है। तो इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो कि आप लोग याद रखिएगा। ओके, आइए अब चलते हैं अगले आर्टिकल की ओर जो कि यहां पर COVID-19 के बारे में है, डिटेल है, उनको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। कई सारे आर्टिकल हैं, तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए जो लोग हैं एक साइड में, तो यहां पर एक साइड में तो COVID-19 उनके सामने तोप की तरह ताने खड़ा हुआ है और दूसरी साइड में जो हेल्थ वर्कर हैं वो उनको नहीं छोड़ रहे हैं, तो जो माइग्रेंट वर्कर हैं वो बेचारे जाए तो जाए कहां, तो उनकी खस्ता हालत आज की डेट में हो रखी है। तो आज का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी इसी के बारे में यहां पर बात करेगा कि जो माइग्रेंट वर्कर है आज की डेट में हमारी कंट्री में उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनकी प्रॉब्लम क्या है, किस तरीके से सिचुएशन हैंडल करनी चाहिए और किस तरीके से सिचुएशन हैंडल की जा रही है, तो वो सारी बातें यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पर लेकिन उससे पहले आप लोग यहां पर यह समझिए कि हमारी कंट्री में केस कितने आ गए हैं। तो सोचने वाली बात है, जब मैंने इसको देखा मॉर्निंग में तो मैं देखकर थोड़ा सा हैरान हो गया क्योंकि कल जो थे वो लगभग 1400 के करीब केस थे, ठीक है, 1400-1500 के करीब केस थे, काफी ज्यादा केस यहां पर अभी आप लोगों के सामने निकल कर आए, सीधे 2014 केस यहां पर हो गए हैं, 2014 ईयर नहीं है, केस हो गए यहां पर। सबसे ज्यादा केस कहां पर आ गए, 335 हो गए यहां कहां पर, महाराष्ट्र में, और मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि कर्नाटक वगैरह और आंध्र प्रदेश और यहां पर ये सारे जो हैं आप लोगों 100 से ऊपर कूदे हुए नजर आएंगे।
कल आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन आप डे लोग तक के सामने तेलंगाना यहाँ में पर लगभग बात यहाँ कर पर रहे इसी हैं कैटेगरी में एंगल्स नजर एंगल्स आएगा। फ्लाइट इज एक राज्य यहाँ सिंप्रूव पर के बारे 100 से ऊपर, में 300 से ऊपर है, कौन सा है? कई महाराष्ट्र क्वेश्चन अगला, एंगल से केरला 200 से लोगों के ऊपर है क्वेश्चन और गलत तमिलनाडु में 200 से ऊपर है। इन बाकी 100 की में यहाँ पर कैटेगरी पूछी में यहाँ पर गई कौन कौन आ गए हैं? दहली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये 100 की कैटेगरी में आ चुके हैं। 14 अलग अकेले यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर लोगों की जान जा चुकी है, 56 लोगों की जान तक जा चुके हैं। तो जो केस है वो बिल्कुल ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है और ये सारी वो चीजें हैं जो हम लोग ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्या रोल प्ले कर सकते हैं, पहले तो ये बात है, एक पहली आर्टिकल डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है? और इसके चलते क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने आएगा। फिर यहाँ पर एक यहाँ पर जो आर्टिकल है वो दिल्ली से रिलेटेड है, उसमें भी कई सारी चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों के सामने यहाँ पर आंसर देखिएगा। ये आज का क्वेश्चन जो कि आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन कई सारे बच्चे बहुत प्यारा आंसर लिख रहे हैं, देखिए लिखते रहिए यार, ये आप लोगों को बहुत फायदा पहुंचाने वाला है, ठीक है? मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कई सारे बच्चे सो जाते हैं, उनको नींद आ जाती है कि नहीं यार आंसर नहीं लिखते, छोड़ो हो गया, बहुत आंसर लिखा, नहीं छोड़ रहे, आंसर लिखते रहने। यहाँ पर बोला गया कि मीडिया जो है वो फोर्थ पिलर की कैटेगरी में आता है, फोर्थ पिलर बोला जाता है मीडिया को नॉर्मली, ठीक है? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, तो इसी तरीके से मीडिया को यहाँ पर चौथे नंबर का पिलर मान लिया जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए कि मीडिया का क्या सिग्निफिकेंस है, अब कोविड-19 को लॉकडाउन को अगर हम लोग ध्यान में रखकर चलते हैं, यानी कि मीडिया की क्या नैतिकता है, क्या महत्व है, कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग बात करते हैं, यानी कि मीडिया को कितने रेस्पॉन्सिबली अपना बिहेवियर अपना अपनाना चाहिए और उसको रोल प्ले करना चाहिए, ये है क्वेश्चन। आप लोगों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है, दोनों ही तरीके से इंक्लूड हो गए, बीमारी भी इंक्लूड कर लिए और मीडिया का जो फोर्थ पिलर की तरीके से भी देख रहा है वो भी यहाँ पर आ गया। कई बार क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि मीडिया यहाँ पर एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट है जिसको लोग फोर्थ पिलर की तरीके से देखते हैं, इस पर पहले भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो फेक न्यूज आज के देखने को मिल रही है, तो मीडिया कितना रोल प्ले कर सकता है और जब मीडिया यूज किया जा रहा है, दूसरा यहाँ पर न्यूज पेपर, टेलीविजन डिक्लेयर करता है जो भी आप लोग यूज कर रहे हैं, रेडियो वगैरह, उसी के साथ में सोशल मीडिया भी यहाँ पर आ जाता है जब हम लोग मीडिया की बात करते हैं, ठीक है? क्योंकि सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा रीजन हो चुका है आज के में जिसको हम लोग यूज कर पा रहे हैं पार्लियामेंट यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए। इसी के तरीके से यहाँ पर एक बात तो ये की जा रही है कि हम लोग एग्रेसिव तरीके से जो लॉकडाउन का पीरियड है उसको यूज करना चाहिए, जैसे मुंबई सिटी चाइना में इसको यूज किया गया था। हम लोग अब तक लॉकडाउन के पीरियड को ढंग से यूज नहीं कर पा रहे हैं, जब से लॉकडाउन हो रखा है तब से केसेस और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि हम लोग इसको ढंग से यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो स्क्रीनिंग लोगों की होनी चाहिए, टेस्टिंग होनी चाहिए और जल्दी हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए अगर आप लोग लॉकडाउन को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हैं, वरना दो तारीख अभी हो चुकी है, कुछ दिन और बचे हुए लॉकडाउन के, अगर जैसे सिचुएशन तक चल रही है, ऐसी सिचुएशन चलती रही और लॉकडाउन ओपन हो गया, तो ये समझिए कि केस कंट्रोल नहीं होने वाले हैं, तो फिर सिचुएशन काफी खतरनाक हो जाएगी क्योंकि आप लोग समझते हैं सेंट्रल लिस्ट में देखने को मिलेगा जो यहाँ पर कंडीशन बन रही है लॉकडाउन के चलते भी। ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर देखिए, ये लॉकडाउन की सिचुएशन है हमारी कंट्री में, आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो इसके ऊपर है ये आर्टिकल, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए समझ लेते हैं क्या क्या बातें यहाँ पर की जा रही है। सबसे पहले यहाँ पर दो पॉइंट पर फोकस किया गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास में लिमिटेड पावर है इंटरव्यू करने की, जो अभी यहाँ पर क्राइसिस बना हुआ है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकता क्योंकि जो भी काम करना है वहाँ पर गवर्नमेंट को करना है, पर लेकिन कुछ एरिया है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट काम कर सकते हैं, जैसे अभी बहुत सारे जो माइग्रेंट वर्कर है वो यहाँ से निकलना स्टार्ट हो गए जो पर्टिकुलर शेड्यूल थे। आखिर ऐसा क्यों हुआ, जबकि कंप्लीटली लॉकडाउन था कंट्री के अंदर, ऐसी सिचुएशन क्यों बनी? तो एक तो यहाँ पर इसके बारे में आप लोगों को फोकस देखना चाहिए कि आखिर ऐसा किस तरीके से बना, तो इसके बारे में आप, और जब सिचुएशन बन ही गई है तो इस तरीके की सिचुएशन में पहली कंडीशन तो ये है जो पुलिस है वो कैसे अपना रोल प्ले कर रही है, अथॉरिटी कैसे अपना रोल प्ले कर रही है, जो माइग्रेंट वर्कर और उनकी फैमिली को कैसे ट्रीट किया जा रहा है, एक तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आता है, जो फेक न्यूज है जो फैलाई जा रही है आज की डेट में, यहाँ पर गवर्नमेंट ये बोल रही है कि जो फेक न्यूज फैलाई गई कि 3 महीने का लॉकडाउन होने वाला है, उसकी वजह से लोगों ने बॉर्डर क्रॉस करना स्टार्ट कर दिया 3 महीने का लॉकडाउन सुन के, तो ये बातें यहाँ पर बोली गई है। तो कोर्ट जो है वो एक तरीके से बोला गया कि गवर्नमेंट को यहाँ पर डायरेक्ट करे, यानी कि एक तरीके से ज्यादा नहीं होने चाहिए, यहाँ पर जो सॉरी कोर्ट जो है कोर्ट को बोला गया कि वो मीडिया को डायरेक्ट करे कि ताकि जो इस तरीके की जो न्यूज निकल कर आ रही है या जो डेवलपमेंट है ऐसा ना हो, ऐसी बातें बोली गई खासकर पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए। तो सॉलिसिटर जनरल जो है यहाँ पर उनके द्वारा उनको भी बोला गया कि डेली आप लोग जो अपडेट्स हैं आप लोग जनता तक लेकर आओ, जो कि उनके डाउट्स हैं कोर्ट के द्वारा ये बोला गया। देखिए कई बार आप लोगों ने देखा होगा अगर आप लोग टेलीग्राम को फॉलो कर रहे हैं और आप लोग अगर फेसबुक पर मेरे साथ जो भी कई सारी ऐसी चीजें वहां पर शेयर की जाती है, जैसे कि शराब के पीने से कोविड-19 बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, टाइम प्रेशर का उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, या फिर कोई और चीज, ऐसे अगर कोई मतभेद है कि साबुन का क्या मतलब है, साबुन से हाथ यूज करते हैं, सैनिटाइजर यूज करते हैं, तो ये सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो गवर्नमेंट के द्वारा शेयर की जा रही है, वही इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ क्योंकि वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है। तो वो इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के जो डाउट है इन सब चीजों को लेकर उनको दूर करती है, तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो बेसिकली आर्टिकल क्या है, आर्टिकल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास में
ज्यादा पावर नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास में, ज्यादा खासकर इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर सारा काम एग्जीक्यूटिव को करना है क्योंकि गवर्नमेंट को करना है, पर लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट अपना रोल प्ले कर सकता है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कहां पर रोल प्ले कर सकता है होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर। तो सबसे पहले तो यहां पर बात की जा रही है सोशल मीडिया के बारे में, सोशल मीडिया को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर निभानी चाहिए। लोग जो है सोशल मीडिया पर फालतू की चीजें शेयर करते हैं, मैंने देखा है अक्सर अच्छी चीजें जो लोग हैं काफी कम शेयर करते हैं, काफी लंबे समय से जैसे मैं इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ तो कुछ ही लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, अगर और चीजें शेयर की जाती है अलग अलग जैसे लोगों की अगर अलग अलग चीजें देखी है हजारों हजारों शेयर देखने को मिलते हैं फालतू की चीजों पर, तो ये सिचुएशन है पढ़ाई की चीजें या फिर अवेयरनेस की चीजें कम शेयर की जाती है, पता नहीं क्यों मेरी समझ में ये चीजें आती नहीं है आखिर क्यों इस तरीके की सिचुएशन है, लेकिन कोविड 19 की जो नेगेटिव न्यूज है कम से कम उनको भी हम लोगों को कंट्रोल करना चाहिए। अब यहाँ पर अगर कोई देखे दो तरीके से, अगर कोई यहाँ पर गलत तरीके की इन्फॉर्मेशन फैलाता है तो यहाँ पर जो इंडियन पिनल कोड है उसके हिसाब से उनको पनिश करना चाहिए, और अगर पब्लिक सर्वेंट के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उनका भी उल्लंघन करता है तो भी यहाँ पर एक तरीके से वो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग अपनी कंट्री के जो लॉ है उनको यूज कर सकते हैं, पर लेकिन एक एग्जिजरेशन यहाँ पर अतिशयोक्ति ये देखने को मिली जब यहाँ पर जो गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कोर्ट को कि वो जो जर्नलिज्म है उसको थोड़ा सा गाइड करे कि गवर्नमेंट के हिसाब से वो काम करे, यानी कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करे जो आज के में गवर्नमेंट प्रॉब्लम फेस कर रही है कोविड 19 को ध्यान में रखते हुए, जो ये एक्सोडस चल रहा है यहाँ पर ये एक्सोडस गवर्नमेंट की वजह से नहीं है, ये एक्सोडस यानी कि जो लोग निकल निकल कर जा रहे हैं ये सारी फेक न्यूज की वजह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो राइटर जो है गवर्नमेंट की इस बात से सहमत नहीं है, सबसे पहले तो वो कोर्ट को थैंक्स बोलते हैं कि कोर्ट ने यहां पर मीडिया को इस तरीके से डायरेक्ट नहीं किया कि वो गवर्नमेंट के हिसाब से काम करे। रीजन क्या है, रीजन यहां पर ये जो आज के डेट में ये लोग निकल निकल कर चल रहे हैं ये यहां पर फालतू की न्यूज से नहीं है कि यहां पर ये बोल रहे हैं कि 3 महीने का लॉकडाउन होगा इसलिए छोड़ छोड़कर जा रहे हैं, नहीं जो लॉकडाउन है उसकी वजह से तो छोड़कर जा रहे हैं, पर लेकिन रीजन क्या है, रीजन ये है कि आप लोगों ने जब लॉकडाउन लगाया तो ओनली 4 घंटे का टाइम आप लोगों ने लोगों को दिया, 4 घंटे का टाइम दिया जब आप लोगों ने इसको इंप्लीमेंट करने की बात की, ठीक है पहली बात। दूसरी बात जो है कोई प्लानिंग आप लोगों की देखने को नहीं मिली, कोई कोऑर्डिनेशन आप लोगों का देखने को नहीं मिला कि सेंटर और स्टेट मिलकर काम करेंगे, तो ये प्रॉब्लम काफी निकल कर आई। लोगों के पास में जॉब तो चली गई, अब उनके पास में कैश भी नहीं है, और अगर कैश भी नहीं है तो खाना कहां से खाएंगे, सारी चीजें आप लोग बंद करने जा रहे हैं, यहां से प्रॉब्लम निकल कर आई। और चौथी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हर एक इंसान चाहता है कि बुरे टाइम में वो अपने फैमिली के साथ में रहे, तो इस तरीके से जो मेन रीजन है वो ये है, ना कि फेक न्यूज की हाँ 3 महीने तक लॉकडाउन रहने वाला है इसलिए लोग फ्रस्ट्रेट होकर भागना स्टार्ट हो गए, वो कोई रीजन हो सकता है पर लेकिन बहुत छोटा रीजन है वो। मेन रीजन यहां पर जो बोला जा रहा है राइटर के द्वारा, मेन रीजन ये है जिनके ऊपर हम लोगों को फोकस देकर चलना चाहिए। तो कोर्ट ने जो यहां पर जो गवर्नमेंट के द्वारा इल एडवाइस की थी कि हाँ डायरेक्ट करें मीडिया को कि वो गवर्नमेंट का साथ दे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, कि गवर्नमेंट ने जो बातें बोली है कि फेक न्यूज की वजह से चीजें हो रही है, तो अच्छी बात है कि कोर्ट ने उसकी बात नहीं मानी, और ये सही है कि गवर्नमेंट को अपना हिसाब से काम करना चाहिए। जिस तरीके की हरकतें गवर्नमेंट कर रही है वो कहीं ना कहीं और सिचुएशन खराब कर रही है, क्योंकि लॉकडाउन का जो पीरियड है जैसे यूटिलाइज किया जाना था अब तक कोई दिख नहीं रहा है कि उस तरीके से उसको यूटिलाइज किया जा रहा है, ब्लेम गेम स्टार्ट हो रहे हैं, बोल रहा है ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा अभी नेक्स्ट आर्टिकल में आगे। तो एक तरीके से इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने का तो मतलब यह हो गया कि गवर्नमेंट अपनी दादागिरी दिखाती रहे, जो भी चल रहा है उसको चलने दे, उल्टी सीधी हरकतें चलती रहे तो उससे थोड़ी ना काम चलेगा, डेटा सामने जनता के आना चाहिए, तभी तो गवर्नमेंट को थोड़ा खौफ रहेगा, तभी तो गवर्नमेंट भी ढंग से काम करेगी, वरना गवर्नमेंट जो है बोल कुछ रही है कर कुछ रही है। बोला गया कि लोगों को सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, बोल तो दिया पर लेकिन ग्राउंड लेवल पर लोग भूखे मर रहे हैं, ऐसी भी सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो कोर्ट जो है कोर्ट को अंडरस्टैंड करना चाहिए, कोर्ट को समझाना चाहिए कि कैसे चीजें होनी चाहिए, कि पेंडेमिक से कैसे डील कर रहे हैं उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी आप लोगों के पास में होनी चाहिए, ट्रीटमेंट लोगों का होना चाहिए। ये जो विनाशकारी आज की डेट में जिसकी वजह से जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल बर्बाद हो गई है, GDP 5 से घटकर सीधी पर आ गई है, उसके बारे में सोचना चाहिए। तो इसमें गवर्नमेंट काम करेगी यहां पर, ना कि कोर्ट यहां पर कोई काम करेगा, तो एग्जीक्यूटिव की ड्यूटी है प्राइमरीली, तो उसके बाद में कोर्ट निकल कर आएगा यहां पर अगर गवर्नमेंट जो है वो काम नहीं कर रही है। तो कोर्ट को और यहां पर गवर्नमेंट को गाइड करना चाहिए कि कम से कम उनको रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर यहां पर अपनाना चाहिए। जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अभी देखने को मिल रहा है तो उस डायमेंशन को ध्यान में रखकर आप लोगों को काम करना चाहिए, सर्च करना चाहिए जो खासकर जो ऐसे लोग हैं जो सोसाइटी में घूम रहे हैं, और खुद की अकाउंटेबिलिटी भी यहां पर एक तरीके से होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम स्टार्ट कर दें। इसी के बारे में काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। आज की डेट में क्या चल रहा है, ब्लेम गेम चल रहा है, यानी कि ये उसकी गलती है या फिर ये उसकी गलती है। निजामुद्दीन में जो अभी यहां पर प्रॉब्लम देखने को मिली, बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग थे वो एक जगह इकट्ठे हुए थे और फिर वो अलग अलग एरिया में यहां से फैले पूरी कंट्री में, उन्हीं लोगों में से जो हजारों की मात्रा में यहां पर इकट्ठे थे लगभग 200 से ऊपर जो लोग हैं वो यहां पर कोविड 19 के पॉजिटिव पाए गए।
तो देखिए सबसे पहले तो एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये, चाहे यहाँ पर हिंदू धर्म हो चाहे कोई मुस्लिम धर्म हो, अगर मिलकर एक तरीके से इस तरीके से इकट्ठे होंगे तो ना अल्लाह काम आने वाला है ना भगवान यहाँ पर काम आने वाला है, सीधे सीधे एक तरीके से कब्र में पहुंचोगे या फिर जलाए जाओगे। तो सिचुएशन ये है कि जितना डिस्टेंस बनाकर रखें, ये बिल्कुल पाकिस्तान वाला रवैया हो गया कि हाँ रिलीजन जो है वो बचाएगा हम लोगों को, भगवान अल्लाह बचाएगा हम लोगों को, ये इस तरीके से कुछ नहीं होने वाला है। तो थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर हम लोग को यहाँ पर अपनाना पड़ेगा। हालांकि ये न्यूज मैंने कल ही कवर करी थी न्यूज एनालिसिस वाले पोर्शन में, एक बार इसको फिर के देख लेते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है तिबलीगी जमात के बारे में। ये पर्टिकुलर जो जमात है यहाँ पर अभी लगभग जो निजामुद्दीन वाले एरिया में 4000 के करीब जो लोग थे वो इकट्ठे हुए थे, और ये इनका पैटर्न है, ये अलग अलग कंट्री में इकट्ठे होते हैं जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूनाइटेड स्टेट, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो अपनी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश यहाँ पर ये करते हैं। अगर बात करें यहाँ पर जो तिबलीगी जमात, इसका लिटरली मीनिंग है कि इस एक तरीके से जो मीन है इसका सोसाइटी में स्प्रेड करना फेथ, अपना पर्टिकुलर फेथ कौन सा, जो सुन्नी इस्लामिक जो मिशनरी है यहाँ पर वो अपने फेथ को फैलाते हैं इस पर्टिकुलर मिशन के थ्रू। पर लेकिन अगर नॉर्मल सिचुएशन है तो समझ में आता है कि आप लोग इस मिशन को यूज करो। आज के डेट में लॉकडाउन के टाइम पर यह मिशन यूज करना कितने हद तक सही है, तो उसके बारे में यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हालांकि मैंने कल भी आप लोगों को बताई थी, फिर भी आप लोग सुन लीजिए, आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया रहेगा इसके बारे में, रिवीजन भी हो जाएगा। हालांकि कल ये कवर कर चुका हूं मैं पूरा आर्टिकल, ठीक है। तो यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कहां से इसको स्टार्ट किया गया था, तो देवबंद में यहां पर इसको स्टार्ट किया गया था, और स्टार्ट करने वाले जो पर्सन थे ये मौलाना मोहम्मद इलियास खंडेलवा, ठीक है। तो इनका नाम आप लोग याद रखते हैं, 1927 में इसको स्टार्ट किया गया था। तो इसको अलग अलग कंट्री में आज के डेट में खासकर उन लोगों को अपने रिलीजन में इंक्लूड करने की कोशिश की जाती है जो लोग भटक चुके हैं, जिस तरीके से आप लोग नहीं जाते हिंदू में प्योरीफाई करते हैं कि हाँ, जिस तरीके से कई बार ये भी चीज देखने को मिलती है, एक तरीके से ये मुस्लिम का प्योरिफिकेशन आप लोग इसको बोल सकते हैं। जो लोग हिंदू प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर दिए थे 1927 में, उनको फिर से अपने ट्रेडिशन में, अपने रिलीजन में लेकर आना, ठीक है। तो ये धर्म के नाम पर चीजें चलती रहती हैं, पास्ट में भी और आज के डेट में भी चलती हैं। तो मुद्दा यहां पर ये कि क्या आज की डेट में भी यहां पर ये हरकतें करनी चाहिए, तो इसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखनी चाहिए। अब यहां पर यह आती है बात निकल के कि जो दिल्ली में निजामुद्दीन में इतने लार्ज स्केल पर यह सारी चीजें देखने को मिली, जो इस तरीके से COVID-19 का जो खतरनाक केस यहां पर जो चल रहा है उसके चलते भी यह सिचुएशन निकल के आई, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो यहां पर जो एक कम्युनिटी यहां पर मिली मस्जिद के अंदर में निजामुद्दीन वाले एरिया में, 400 के करीब जो लोग हैं उनको सिम्टम्स पाए गए हैं, और 200 के 40 करीब के हैं वो टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं, और इनमें से जो इकट्ठा हुए थे 10 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। अब ये वो लोग हैं जो यहां पर इकट्ठे थे, अब ये अलग अलग एरिया में पहुंच चुके हैं हमारी कंट्री में। तो अब कैसे यहां पर सिचुएशन को हैंडल किया जाए, वो चीजों को समझने की बात की जानी है। लार्ज स्केल जो कम्युनिटी स्प्रेड अगर होना स्टार्ट हो गया हमारी कंट्री में, तो फिर सिचुएशन यहां पर कंट्रोल नहीं होगी। तो किस किस की गलती यहां पर बता रहे हैं राइटर? एक तो सबसे पहले हेल्थ मिनिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह बोला कि COVID-19 जो है उस टाइम पर जहां पर यह मीटिंग चल रही थी कोई इमरजेंसी लाइक कंडीशन आज के डेट में नहीं है, ठीक है, जबकि उस टाइम पर 81 केस यहां पर रिपोर्ट किए जा चुके थे। तो हमारी कंट्री में हेल्थ मिनिस्ट्री भी इसको सीरियस नहीं ले रही थी उस टाइम तक, तो जब यहां पर यह मीटिंग अभी देखने को मिली थी। पहली बात, WHO के द्वारा इसको यहां पर उस टाइम पर ये यहां पर पेंडेमिक बोला गया इसको 11 मार्च में, ठीक है ना। तो 11 मार्च में पेंडेमिक बोल दिया गया, उसके चलते चलते भी यहां पर, हालांकि स्टार्टिंग में WHO के द्वारा भी सीरियस नहीं लिया गया था, उसके चलते चलते भी हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है उसको सीरियस नहीं ले रही है, तो सोचने वाली बात यह है। तो इस तरीके के कई सारे जो इकट्ठा जो लोग हुए वो मलेशिया में भी इकट्ठा हुए एंड फरवरी में, तो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर? दिल्ली गवर्नमेंट जो है, सबसे पहले तो अगर आप लोग बोले दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो भी एक तरीके से इक्वली अपराधी है यहां पर, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट को इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी। जब यहां पर इतने सारे लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं ऑलरेडी बोल चुके हैं कि यहां पर जब लगभग 13 मार्च को वो लोग बोल चुके हैं कि 200 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, फिर इतने सारे लोग एक जगह इकट्ठा होने कैसे दिए गए, तो ये आप लोग समझिए। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी सबको यहां पर एडवाइस किया गया था कि मास गैदरिंग को या तो एक तरीके से अवॉइड करें या फिर उसको पोस्टपोन कर दे, उसके बाद भी मास गैदरिंग हो रही है, तो कौन यहां पर रेस्पॉन्सिबल है? किसी भी तरीके की मास गैदरिंग को रोका गया था, चाहे रिलीजियस या फिर नॉन रिलीजियस या फिर किसी भी तरीके की मास गैदरिंग को मना किया गया था। इसीलिए कई सारी जो पॉलिटिकल रैली है यहां पर अलग अलग लीडर के द्वारा वो कैंसिल कर दी गई। मोदी जी यहां पर जाने वाले थे उस टाइम पर बांग्लादेश, उनके द्वारा बांग्लादेश जाने से मना कर दिया गया। उससे कुछ पहले यहां पर नमस्ते ट्रंप की रैली हुई थी जो कि बहुत लार्ज स्केल पर लोग एक जगह इकट्ठे हुए थे, तो ये सारी चीज फिर आगे चलकर इनको अटेम्प्ट करने से मना कर दिया। पर लेकिन अब क्या करना चाहिए, अब सिचुएशन ये है। देखिए जब तक लॉकडाउन चल रहा है सारी चीजें यहां पर आज के डेट में आप लोग देखिए कि कंट्रोल की सिचुएशन में होनी चाहिए, पर वो भी आज के डेट में कंट्रोल की सिचुएशन में नहीं थी। जब तक लॉकडाउन नहीं रहा सारी चीजें ओपन थी, पॉलिटिकल इवेंट चल रहे थे, सब चीजें मिल रहे थे, जबकि उस टाइम पर भी कुछ इक्के दुक्के केस हमारी कंट्री में आ रहे थे।
तो आज की डेट में जब यहां पर अलार्मिंग कंडीशन बन रही थी, हम लोग सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए, उसी टाइम पर कुछ लोग ऐसे थे जो प्रॉपर काम कर रहे थे, सिंगापुर हो गया, साउथ कोरिया हो गया, इटली, स्पेन ने हालांकि काम करने की कोशिश की पर लेकिन फिर भी ये चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो यहां पर लोगों की कुछ ज्यादा ही लापरवाही देखने को मिली। पर लेकिन साउथ कोरिया और सिंगापुर जो है वो सिचुएशन को कंट्रोल करके ले गए, और हम लोग आज की डेट में उस पैटर्न से सीख नहीं रहे हैं जो पैटर्न ऑलरेडी लोगों को बर्बाद कर चुका है। तो इस तरीके से हम लोगों को थोड़ा समझना चाहिए। तो निजामुद्दीन में जो इतने ज्यादा लोग इकट्ठे हुए यहां पर, तो एक तरीके से जिसने इवेंट को अटेंड किया, अब उनको हम लोगों को ट्रेस करना है, उनको ट्रेस करना है, और जिससे उनके कॉन्टैक्ट रहे उनको ट्रेस करना है, क्वारंटीन को यहां पर बना के रखना है, यानी कि उनको अलग रखना पड़ेगा और टेस्ट करना चाहिए, और बिना लूजिंग टाइम हम लोगों को ये करना चाहिए, क्योंकि जो ये लॉकडाउन का टाइम है अगर ये बीत गया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होगी, जब आप लोग इस लॉकडाउन के टाइम को आगे बढ़ाएंगे लोगों में एक तरीके से लोगों के दिल में चरमराहट मचेगी कि फिर से लॉकडाउन लगने जा रहा है। दूसरी बात यह होगी सिचुएशन को आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाओगे इतने लार्ज स्केल पर, लोगों में और अफरा तफरी होगी। तो साउथ कोरिया और सिंगापुर से आप लोग यहां पर सीख सकते हैं कि छोटी छोटी चीजों पर भी कैसे उनके द्वारा फोकस किया गया, एक एक केस को उनके द्वारा ट्रेस किया गया, और हमको भी इसी तरीके से जो लॉकडाउन का पीरियड है, ये शटडाउन आज के डेट में देखने को मिल रहा है, तो इसके चलते हम लोग यहाँ पर टेस्टिंग कर सकते हैं कम्युनिटी में लार्ज स्केल पर, लोगों को जिनके द्वारा अटेंड किया गया है उनको एक तरीके से जाकर उनको चेक कीजिए। तो यहाँ पर अगर ऐसा नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम काफी देखने को मिलेगी, क्योंकि इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर जो यहाँ पर लीडर का देखने को मिल रहा है, कम्युनिटी लीडर जैसे अभी यहाँ पर निजामुद्दीन मिले, तो ये लीडर की लापरवाही की वजह से यहाँ पर लोग इतने सारे इकट्ठा हुए। और दूसरी साइड में गवर्नमेंट की भी लापरवाही है, गवर्नमेंट भी बेपरवाह जो है उसको होने दे रही है, गवर्नमेंट ने भी कोई स्टेप नहीं उठाया, तो दोनों तरीके से सिचुएशन जो है वो यहां पर देखने को मिल रही है। अब हम लोगों को यहां पर समझना पड़ेगा, अगर नहीं समझे तो फिर सिचुएशन खराब होने वाली है। तो ये बातें यहां पर बताने की कोशिश की जा रही है। ये वही केसेस हैं जो मैंने भी आप लोगों को बताया कहां कहां पर कितने केसेस बढ़ रहे हैं। अमेरिका जो है वो टॉप प्रायोरिटी में है, यहां पर सबसे टॉप पर अपना स्थान बनाए हुए हैं। बाकी ये सभी आप लोगों को पता है कि नंबर ऑफ जो रिकॉर्डेड जो डेली केसेस है, किस किस में क्या क्या निकल कर आ रहे हैं, न्यू डेथ कहां कहां पर निकल कर आ रही है, और किस तरीके से कितने लोग रिकवर कर रहे हैं। तो जो मैंने आप लोगों को यहां पर स्टार्टिंग में ही जो चीजें दिखाई थी उन्हीं को यहां पर बेसिकली दिखाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को ये दिखाया था यहां पर। ओके, अब यहां पर इसके बारे में आप लोग समझिएगा थोड़ा सा। ये यहां पर एक नेक्स्ट आर्टिकल है, यहां पर नेक्स्ट आर्टिकल जो यहां पर ये बात की जा रही है कि हम लोग को देखिए लोकल लेवल पर काम करना चाहिए और ग्लोबल लेवल पर हम लोग को थिंक करना चाहिए, यानी कि सीधे सीधे भाषा में बोलूं तो वही बात बोली जा रही है इनडायरेक्ट वे में, चाणक्य जी वाली बात कि गलतियों से सीखो दूसरों की। तो हमारी कंट्री में अगर बात करें जो मेन बॉडी है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर नीति आयोग हम लोग लेकर आए, पर लेकिन नीति आयोग भी ऑलराउंड फेल हो गए हैं यहां पर अगर ढंग से देखा जाए तो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की आप लोग बात करें वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा है पेंडेमिक को कवर करने में। आइंस्टीन के द्वारा भी यहां पर कुछ बातें बोली गई थी जिनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये मैं आप लोगों को पहले भी कई बार भी बोल चुका हूं जो आइंस्टीन साहब के द्वारा यहां पर ये बात बोली गई है। अगर आप लोग समझ रहे हैं कि जैसा टाइम अभी चल रहा है जिस तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसी तरीके से जिससे आप लोग एक साल से पीछे से पढ़ रहे हैं, अगले एक साल भी अगर इसी पैटर्न में पढ़ते रहे तो पीछे एक साल में सिलेक्शन नहीं हुआ अगले और चार साल में सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो नए तरीके से आप लोगों को उसको डील करना पड़ेगा, यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स आप लोगों को निकल कर आना पड़ेगा। अगर पुरानी प्लानिंग आप लोग लेकर चल रहे हैं नई बीमारी के लिए तो वो काम यहां पर नहीं करने वाली है। तो इसी तरीके से यहां पर ये बातें बोली जा रही हैं कि सब चीजों को समझो, देखो कौन कंट्री क्या कर रही है उनसे सीखो, और कहां कहां पर क्या क्या स्टेप आप लोग उठा सकते हो उसको जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो, तभी सॉल्यूशन आप लोग निकाल पाओगे। तो ये बात यहां पर बेसिकली बोली गई है। ओके, आइए क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए क्या क्या बात की जा रही है। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर पाम ऑयल के बारे में, आप लोगों को पता है मलेशिया के साथ में काफी रस्साकसी रही पाम ऑयल को लेकर, तो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कॉमर्स मिनिस्ट्री का जो डेटा है। और हाँ, आप लोगों का जो क्वेश्चन वाली वीडियो है मैंने उसमें स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया कुछ चीजें ऐड की गई हैं, उसमें आप लोगों का क्विज ऐड कर दिया है। अगर आप लोगों को लग रहा है वो सही है, वो रिविजन क्विज होगा एक तरीके से, वो पास्ट के क्वेश्चन होंगे तो और लार्ज स्केल पर चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर सही है तो आप लोग बताइएगा जरूर, अगर नहीं है तो फिर उसके बारे में आप लोग इन्फॉर्मेशन शेयर कर चुके हैं। तो स्टार्टिंग में 8 से 9 क्विज के क्वेश्चन रहेंगे, तो फिर आप लोग वैसे क्वेश्चन रहेंगे लगभग के करीब, तो टोटल मिलाकर 20-22 के करीब चीजें तो वैसे डायरेक्ट यूज आती हैं, वरना जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो मैं आप लोगों को वहां पर देता हूं तो बहुत सारा एरिया हम लोग कवर करते हैं, तो डिटेल में अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए उसको, ठीक है। किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी करें, यूपीएससी, पीसीएस या फिर किसी दूसरे एग्जाम की जहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो वीडियो आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन हम लोग यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। पाम ऑयल के बारे में बात की जा रही है, बोला जा रहा है कि 10 बिलियन के करीब जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं यहां पर डॉलर का वेजिटेबल, ये 2019-20 का डेटा है, कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। पाम ऑयल जो है वो रिलेटिवली ये यहां पर स्टेबल लो टेम्परेचर पर रहता है, ये बात बोली गई है, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए में बोला गया वन ओनली, बी बोला गया टू ओनली, सी बोला गया बोथ वन एंड टू, डी बोला गया नाइदर वन नो टू। स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बोला मलेशिया से हम लोग ये पाम ऑयल खरीद रहे हैं, अगर मलेशिया की लोकेशन आप लोग देखोगे तो आप लोग तुरंत इस स्टेटमेंट को यहां पर पकड़ लोगे। मलेशिया कहां पर है, मलेशिया आप लोगों को इक्वेटर के पास में देखने को मिलेगा।
मिलेगा, यह है इक्वेटर और यह है यहां पर मलेशिया। और यहां पर मैंने स्टेटमेंट में क्या बोला है, देखिए आप लोगों को चहुमुखी अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा एग्जाम में। मैंने बोला है लो टेम्परेचर, क्या इक्वेटर के पास में लो टेम्परेचर होता है? नहीं, इक्वेटर के पास में हाई टेम्परेचर होता है। तो ये पाम ऑयल रिलेटिवली स्टेबल रहता है हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। तो आंसर कौन सा सही है? आंसर यहां पर फर्स्ट सही, यानी कि ए स्टेटमेंट सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की जा रही है फाइनेंस कमीशन के बारे में। 14th फाइनेंस कमीशन के द्वारा यहां पर रिड्यूस किया गया था जो वर्टिकल डिवोल्यूशन है, ये यहां पर 40% से 42% से 30% तक, जो यहां पर टैक्स रिवेन्यू है सेंटर के द्वारा, ठीक है, जो कि शेयर किया जाता है स्टेट के साथ में। दूसरा बोला गया फाइनेंस कमीशन जो है वो सजेस्ट कर सकता है स्टेबल फिस्कल इन्वायरमेंट, जिस तरीके से क्या क्या ग्रोथ हो रही है उसके बारे में, तो ये भी यहां पर सजेस्ट कर सकता है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ ओनली, या फिर नाइदर वन नो टू? सही आंसर यहां पर क्या है? सही आंसर है यहां पर इसका क्या, वो है सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट गलत है, क्योंकि ये 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा इसको रिकमेंड किया गया। थोड़ा सा देख लीजिए, 15th फाइनेंस कमीशन जो कि अभी हमारी कंट्री में फाइनेंस कमीशन है, चेयरमैन कौन है इसके ये बताइए, और कौन से आर्टिकल में आता है ये फाइनेंस कमीशन ये भी बताइए, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। तो 42% यहां पर दिया जा रहा था, 41% कर दिया, 1% कहां गया, 1% बोला गया कि जो जम्मू एंड कश्मीर जो नई यूनियन टेरिटरी बनी है और लद्दाख वाले रीजन में उसको यूज किया जाएगा यहां पर, जो 1% यहां पर घटाया गया है, ठीक है, याद रखना। बाकी इनके द्वारा और भी कई सारे सजेशन दिए जा सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट कवर के बारे में और सब चीजों के बारे में, तो वो सारी चीजें भी यहां पर है, ठीक है, सॉरी। तो आंसर यहां पर ए हो गया, इसके बारे में आइडिया आप लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में बात करें तो जीआई टैग जो है वो क्वालिटी और डिस्टिंक्टनेस के बारे में यहां पर एक तरीके से बताता है, और प्लेस ऑफ ओरिजिन को ध्यान में रखते हुए बताता है, ताकि उसका ये डुप्लीकेट न बनाया जा सके। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हाइएस्ट जीआई टैग आप लोगों को देखने को मिलते हैं, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? वन टू बोथ या फिर नाइदर वन नो टू? सही आंसर आप लोग बताइए। तो जो सही आंसर है वह है यहां पर ए, क्योंकि सबसे ज्यादा कर्नाटका में है, ना कि उत्तर प्रदेश में। और जीआई टैग का मतलब ये है कि लोकल जो एरिया है उसकी जो क्वालिटी है उसको मेंटेन रखा जाए, कोई उसको डुप्लीकेट बनाकर न बेचे, इसका बेसिक पर्पज ये है। लेक विक्टोरिया के बारे में पूछा था, बोला जा रहा है कि अमेरिका की ग्रेट लेक है लेक विक्टोरिया। दूसरा बोला जा रहा है लेक विक्टोरिया का जो नाम है वो विक्टोरिया जो क्वीन थी उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। ए सही है, दो सही है, कोई सा भी सही नहीं है, दोनों सही है या फिर कोई सा भी सही नहीं है? तो कौन सा आंसर करेक्ट है ये बताइए। तो सही आंसर क्या है यहां पर? सही आंसर इसका बी, क्योंकि लेक विक्टोरिया का जो नाम रखा गया है वो क्वीन के नाम पर ही रखा गया है, पर लेकिन ये कहां पर है? ये है यहां पर अफ्रीका के अंदर, ना कि अमेरिका के अंदर। लेक विक्टोरिया यहां पर ये युगांडा कीनिया और तंजानिया के बॉर्डर पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट ये है, जो नाइल रिवर है उसकी जो व्हाइट नाइल है वो लेक विक्टोरिया से ही निकलकर आती है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट है। रिचर्ड जो फ्रांचिक है यहां पर, ये पर्टिकुलर पर्सन जो है ये मिलकर यहां पर काम कर रहे थे जॉन हैंगिंस, ठीक है। तो इनके द्वारा यहां पर जब खोजने निकला गया लेक को, तो उस टाइम पर खोजा गया और क्वीन विक्टोरिया के नाम पर इसका नाम रखा गया, ठीक है। तो नाइल रिवर से कनेक्टेड है ये, तो व्हाइट जो नाइल है यहां पर ये से निकलकर आती है, लेक टाना से निकलकर आती है ब्लू नाइल, ठीक है। आगे इसके बारे में हालांकि हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा और मेरे साथ में आप लोग यहां पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। लेक्चर को तभी लाइक कीजिएगा अगर पसंद आता है, पसंद नहीं आता तो प्लीज डिसलाइक करके ये बताना कि डिसलाइक क्यों किया, ताकि आने वाले टाइम में इंप्रूव किया जा सके। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। आसपास सफाई के पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को इससे फायदा हो रहा है, दूसरों को भी फायदा हो, तो शेयर जरूर कीजिए। सेल्फिश आप लोगों को यहां पर नहीं होना है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार। छोटी सी लाइफ एंजॉय कर रहा है, तब तक के लिए जय हिंद।